हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, मार्केट के लिए एक बैड न्यूज़ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया डेटा रिलीज़ किया है जिसमें ट्रेड डिफिसिट है जो कि बढ़कर आया है और बहुत ही ज़्यादा बढ़कर आया है। 25.63 बिलियन US डॉलर से बढ़कर आया है ट्रेड डिफिसिट हमारा। और इसका कारण यह है कि कोल जो कि कोयला है और जो डीजल पेट्रोल ऑयल क्रूड ऑयल भी इम्पोर्ट करते हैं हम लोग और एडिबल ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड इंपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में, तो ये सब ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट उसके कंपैरिजन में कम हो रहा है। उसके कारण अगर आप देखोगे तो हमारा ट्रेड डिफिसिट जो है यूएस डॉलर का वो 25.63 बिलियन से बढ़ चुका है, जो कि बहुत ही बैड न्यूज़ है मार्केट के लिए। इसका मतलब ये है कि क्योंकि यूएस डॉलर भी लगातार स्ट्रांग हो रहा है रुपीज़ के सामने। आज का यूएस डॉलर का जो रेट था 79.30 पहुंच गया था, जल्दी ही 80 को हिट कर देगा यूएस डॉलर अगेंस्ट इंडियन रुपीज़। तो ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए। इसका इम्पैक्ट भी आने वाले दिनों में मार्केट पे देखने को मिलेगा, कल भी मार्केट में हो सकता है इसका इम्पैक्ट हमें नेगेटिव देखने को मिले। और ये जो डेटा रिलीज़ किया गया है कॉमर्स एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आज रिलीज़ किया गया है, तो इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वो ये भी एक कारण था मार्केट में आज नेगेटिविटी आ गई, मतलब रिसेशंस के जो इंडिकेशंस थे धीरे धीरे दिख रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हमें इंपोर्ट करना पड़ा है, आप जानते हैं क्रूड ऑयल का रेट 112-113 तक जा चुका है जो कि 80-90 हुआ करता था बिफोर वॉर, तो उसके कारण भी प्रेशर बहुत बढ़ रहा है गवर्नमेंट के ऊपर। हालांकि गवर्नमेंट अलग अलग तरीक़ों से ये जो रेवेन्यू जो लॉस हो रहा है वो कवर करने की कोशिश कर रही है। कुछ ही दिन पहले विंडफॉल जो टैक्स था ये जो ONGC रिलायंस इंडस्ट्रीज इनके ऊपर लगा था जो कि एक्सपोर्ट करते थे, इसके ऊपर भी टैक्स लगाया था गवर्नमेंट ने, बट फिर भी ये डेफिसिट आने वाले दिनों में बढ़ते हुए दिख रहा है। जितना ज़्यादा क्रूड ऑयल का रेट बढ़ेगा उतना ही डेफिसिट बढ़ते हुए दिखेगा। और गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले गोल्ड पे भी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी, आपको मैंने बताया भी था, बट उसके सबके बावजूद लास्ट ईयर से ये जो डिफिसिट है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये आने वाले दिनों के लिए इंडियन इकोनॉमी के लिए भी चिंता का विषय है और मार्केट के लिए भी। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं कम्युनिटी में इसका स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं।